टीजीटी एंड पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए एंड अल्टीग्रेट टीचर मैथ के लिए लिमिट एंड कंटिन्यूटीज का वीडियो नंबर है 26। ठीक है, तो इसमें भी जो क्वेश्चन हैं अभी कंटिन्यूटीज़ के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कि फंक्शन दो फंक्शन हुआ करता है, जैसे 5x माइनस का 4 है, 4x क्यू माइनस का 3x है। ये दिया है x इज़ लेस देन ग्रेटर एंड वन लाइज टू x लाइज टू वन एंड टू के बीच में। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शंस हैं। अब यहाँ पे हमको पहचानना होगा LHL का फंक्शन कौन सा है एंड जिस पे एफ ओ अल्फा लेते हैं वो कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज है वन है, ठीक है, जीरो एंड टू के बीच लाई कर रहा है, मोस्टली वन पे डिपेंड कर रहा है। एक्स इज़ ग्रेटर दैन टू वन, एक्स वन से बड़ा है तो ये फंक्शन LHL का होगा। एक्स इज़ लेस देन वन तो ये फंक्शन LHL का होगा। एक्स इज़ इक्वल टू वन यही फंक्शन एफ ऑफ अल्फा यानी एफ ऑफ वन होगा। अल्फा यहाँ पे यानी कि वन लिया जाएगा। ठीक है, तो फंक्शंस है एफ ऑफ अल्फा के लिए 5x माइनस का 4 यानी एफ ऑफ वन इक्वल टू 5 इंटू वन माइनस का 4 इक्वल टू 5 माइनस का 4 इक्वल टू 1 हो गया। एंड LHL का जो फंक्शन है वन से लेस है वो भी यही होगा। ये LHL का फंक्शन होगा और ये RHL का फंक्शन होगा और ये LHL का फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, वन से छोटा है तो LHL का फंक्शन दिया जाएगा, वन से बड़ा वाले जो क्वांटिटीज पे फंक्शन है वो RHL का फंक्शन लिया जाएगा। फंक्शन ऑफ LHL लिमिट x टेंस टू वन नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे होगा x टेंस टू वन माइनस का x, फंक्शन है 5x माइनस का 4। ठीक है, ये LHL का फंक्शन है, यहाँ पे x की जगह पे 1 माइनस h पुट कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस का x 5, 1 माइनस का h माइनस का 4। तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 1 टेंस टू 1 माइनस h, 5 माइनस का 5 h माइनस का 4, 1 से 1 कैंसिल हो गया। ये हो गया लिम x टेंस टू 0, ये हो गया 1 माइनस का 5 h, वैल्यू ड्रा कर देंगे, 1 माइनस का 0 इक्वल टू 1, यानी कि LHL इक्वल टू 1 आ चुका है। LHL इक्वल टू 1 एंड एफ ऑफ 1 इक्वल टू भी 1, एफ ऑफ 1 भी 1, एफ ऑफ 1 1 है एंड LHL भी 1 है। ठीक है, तो दो क्वांटिटीज यहाँ पे आ चुकी हैं, अब निकालना है RHL। ठीक, फॉर RHL के लिए राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, 1 से बड़ा तो फंक्शन नहीं होगा ये, तो यहाँ पे होगा x टेंस टू 1 प्लस का h, फंक्शन हो जाएगा 4x क्यू माइनस का 3x। ठीक है, यहाँ पे x की क्वांटिटीज हम रख लेंगे 1 प्लस h, ठीक, 1 प्लस h की वैल्यूज पुट कर लेंगे तो ये होगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस h, 4 1 प्लस h का क्यूब माइनस का 3 1 प्लस h, x टेंस टू 1 पे अगर चेक करना है 1 टेंस टू 1 प्लस का h, 4 1 प्लस h का क्यूब माइनस का 3 1 प्लस h, ये कैंसिल हो गया। अगर लिमिट h टेंस टू 0, 4 1 प्लस h का होल क्यूब माइनस का 3 1 प्लस h, h टेंस टू 0 वैल्यू ड्रा कर देंगे, 1 प्लस 0 का क्यूब 1 प्लस 0। ठीक है, 4 इंटू 1 माइनस का 3 यानी कि 4 माइनस का 3 इक्वल टू 1, RHL भी 1 आ चुका है। फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू 1, LHL भी 1, RHL भी 1, तो तीनों क्वांटिटीज यहाँ बराबर हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ है, कंटिन्यूस हो जाएगा एट x इक्वल टू 1 पर। देन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1 यानी x बराबर 1 पर फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूलिंग फंक्शन होंगे या ट्रिपल क्वांटिटीज होगी, तो उस टाइप के क्वेश्चन हम इस वीडियो में रख रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है फंक्शन एक्स प्लस का 2 माइनस 1 एक्स एंड 3 इसके बीच लाई कर रहा है एंड एक्स इक्वल टू 3 पे वैल्यू 5 दिया है, ये 8 माइनस एक्स, एक्स इज ग्रेटर दैन टू 3। ठीक है, तो 3 पे ही फंक्शन को चेक किया जा सकता है, 3 पर ही वैल्यूज़ निकाली जा सकती है क्योंकि उसी पे वैल्यूज़ फाइंड हो पा रही है, बाकी पे और वैल्यूज़ फाइंड नहीं हो पा रही है ना, तो इस पे हम चेक कर पाएंगे 3 पर इसकी क्वांटिटीज़ क्या है, क्योंकि 3 से बड़ा है तो ये RHL का फंक्शन होगा। x इक्वल टू 3 यानी एफ ऑफ 3 दिया है यानी एफ ऑफ अल्फा दिया है, 3 से छोटा है तो ये LHL का फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एट x इक्वल टू 3 पर एफ ऑफ 3 इक्वल टू 5 एंड LHL के लिए 3 से छोटा है तो लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 माइनस का h, एफ ऑफ x होगा x प्लस 2, यहाँ पे वैल्यू ड्रा कर देंगे x टेंस टू 3 माइनस h प्लस 2,
थ्री पे वैल्यू चेक ड्रा करना है, थ्री टेंस टू थ्री माइनस एच, ये कैंसिल हुआ, यानी कि फाइव माइनस का एच वैल्यू ड्रा कर देंगे। लिम एच टेंस टू ज़ीरो, फाइव माइनस का एच वैल्यू ड्रा करेंगे, फाइव माइनस ज़ीरो इक्वल टू हो जाएगा फाइव, ये हो जाएगा एल एच एल। एल एच एल आ गया, एफ ऑफ थ्री आ गया, एल एच एल आ गया फाइव, ठीक है। अब लेना है हमको आर एच एल। आर एच एल का जो फंक्शन होगा वो होगा एट माइनस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन टू थ्री। फोर आर एच एल के लिए लिमिट एक्स टेंस टू थ्री पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, थ्री पॉजिटिव यानी कि थ्री प्लस एच, फंक्शन है एट माइनस एक्स, तीन से बड़ा, तो फंक्शन की जो वैल्यूज हो गया वो हो गया एट माइनस एक्स। तो वैल्यूज चेक करना है, एक्स इक्वल टू थ्री रख देंगे, थ्री प्लस एच यहाँ होगा एट माइनस का थ्री प्लस एच, ठीक है ना, कैंसिल हुआ, होगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, एट माइनस का थ्री माइनस एच यानी कि फाइव माइनस एच, एच टेंस टू ज़ीरो रखेंगे, फाइव माइनस ज़ीरो इक्वल टू फाइव, आर एच एल भी हमारा फाइव आ गया, आर एच एल भी फाइव आ गया। एल एच एल फाइव, फंक्शन ऑफ थ्री फाइव, आर एच एल फाइव, तीनों क्वान्टिटीज़ बराबर हैं, देन फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, फंक्शन कंटिन्यूस है या सतत है, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू थ्री, यानी एक्स इक्वल टू थ्री पर फलन की वैल्यू कंटिन्यूस है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप करने आ ही चुके होंगे, किस तरह से फंक्शन लिया जाना है, कैसे इसको चूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा बड़ा है परंतु आया हुआ है, ज़ीरो दिया है, एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर ज़ीरो, वन बाई टू माइनस एक्स दिया है, या एक्स लाई टू एंड वन बाई टू, एक्स इक्वल टू वन बाई टू पर दिया है, टू बाई थ्री माइनस एक्स दिया है, एक्स लाई वन बाई टू एंड वन, एंड वन दिया है एट एक्स इक्वल टू वन पर। तो यहाँ पे हमको चेक करना है जिन बिंदुओं पर फलन सतत है, चेक करना है कि कहाँ पे कंटिन्यूस है और कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है। तो 1 बाई टू पर चेक कर सकते हैं, पहले तो हम x इक्वल टू जीरो पे वैल्यू जीरो दिया है, जीरो से बड़ा इन x इज़ ग्रेटर देन, तो वहाँ पे हमको जीरो पे दो चीज़ मिल पा रही हैं, एक तो x इक्वल टू जीरो पे वैल्यू मिल रहा है और जीरो से बड़ा यानी आर एच एल निकल जाएगा, पर जीरो पे एल एच एल नहीं निकल पाएगा, जीरो से छोटा फंक्शन नहीं है, जीरो से बड़ा यानी एक्स की वैल्यू जीरो से ग्रेटर है, तो हमको आर एच एल का फंक्शन तो मिल जा रहा है, पर एल एच एल का कोई हमारे पास फंक्शन नहीं है, तो जी एक्स इक्वल टू जीरो पर हम एल एच एल नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू जीरो पे पॉसिबिलिटी नहीं है कि फंक्शन चेक किया जाए कि एल एच है, तो टोटल फंक्शन चेक करने की पॉसिबिलिटी वहाँ पर नहीं मिल पा रही है। अब बात आती है एक्स इक्वल टू वन बाई टू पर, वन बाई टू पर चेक हो जाएगा, तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, वन बाई टू पर भी तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, वन से एक्स वन बाई टू से बड़ा है तो आर एच एल का फंक्शन बराबर यानी कि एफ ओ अल्फा, एंड वन बाई टू से छोटा है तो एल एच एल का फंक्शन। अब वन की बात आती है, एक्स इक्वल टू वन पर वैल्यू दिया है, फंक्शन की वैल्यू दिया है, वन से छोटा यानी एल एच एल की वैल्यू दिया है, वन से बड़ा वैल्यू नहीं दिया है, तो एक्स इक्वल टू वन पर भी हम तीनों चीज़ें नहीं निकाल सकते हैं, केवल एक्स इक्वल टू वन बाई टू पर एल एच एल आर एच एल एंड फंक्शन की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो वन बाई टू पर ही तीनों चीज़ें मिल पाएंगी, जीरो एंड वन पर तीनों चीज़ें नहीं मिल पा रही। एक्स इक्वल टू वन बाई टू पर हम निकाल सकते हैं, एक्स इक्वल टू वन बाई टू पर जो फंक्शन दिया है एफ ऑफ वन बाई टू इक्वल टू वन बाई टू गिवन है, एल एच एल अगर निकालेंगे तो वन बाई टू से छोटा फंक्शन होगा ये एल एच एल के लिए, एंड आर एच एल के लिए फंक्शन होगा ये वन बाई टू से बड़ा, ठीक है। तो एल एच एल के लिए फंक्शन होगा लिमिट एक्स टेंस टू वन बाई टू निगेटिव फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि लिम एक्स टेंस टू वन बाई टू माइनस का एच, फंक्शन है वन बाई टू माइनस एक्स, यहाँ पे वैल्यू ड्रा अगर कर देते हैं वन बाई टू माइनस का एच, यहाँ पे वन बाई टू माइनस का वन बाई टू माइनस एच वैल्यू ड्रा करेंगे, वन बाई टू यहाँ रखेंगे तो यह हो जाएगा एच टेंस टू ज़ीरो, वन बाई टू माइनस का वन बाई टू प्लस का एच कैंसिल हुआ, एच टेंस टू ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, के लिए एच बचेगा, एच बराबर ज़ीरो इसमें वैल्यू रखेंगे तो मान आ जाएगा ज़ीरो, यानी कि एल एच एल आ जाएगा ज़ीरो। एफ ओ वन बाई टू वन बाई टू है हमारे पास, एफ ओ वन बाई टू है, एंड एल एच एल आ चुका है ज़ीरो, ठीक है। अब आर एच एल निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, आर एच एल कुछ भी आए फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। एक्स इक्वल टू वन बाई टू पर फंक्शन नॉट कंटिन्यूस है क्योंकि दो वैल्यूज बराबर नहीं है, तो तीसरी बराबर हो भी जाए तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो और ज़्यादा उसमें सारी चीज़ें निकालने की ज़रूरत नहीं, जहाँ तक ज़रूरत हो
हमको ज़रूरत पड़ी, जितने की ज़रूरत थी इससे हमारा काम चल गया, तो हमने निकाल लिया। ठीक है, तो इसमें नॉट कंटिन्यूस है, मालूम हो गया कि कंटिन्यूस है कि नहीं। तो इस टाइप से जो बड़े फंक्शन हैं, बड़े फंक्शन पे क्वेश्चन हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ कि बड़ा फंक्शन है, ज़्यादा बड़ा है कि नहीं हो पाएगा, हाँ तो वो भी क्वेश्चन आसानी से हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। यानी एक फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पर सतत है, ये चेक करना है कि एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पर ये कंटिन्यूस है कि नहीं। ठीक है, यानी कंटिन्यूटी इसकी चेक करनी है। तो एक्स इक्वल टू पाई बाई टू इसमें वैल्यू डालते हैं, फंक्शन ऑफ पाई बाई टू इक्वल टू साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू इक्वल टू वन होता है। एंड एच एल निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू निगेटिव एफ ऑफ एक्स, यानी कि लिम एक्स टेंस टू पाई बाई टू माइनस कैच, फंक्शन है साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज रखी जाएगी, साइन पाई बाई टू माइनस एच रखा जाएगा, एंड पाई बाई टू को चेक कर रहे हैं तो पाई बाई टू माइनस एच ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन नाइन्टी माइनस थीटा साइन थीटा, एंड साइन नाइन्टी माइनस थीटा सॉरी कोस थीटा होगा, कोस थीटा कोस एच, वैल्यू डालेंगे कोस कोस जीरो इक्वल टू होगा वन। अब बात आती है एल एच एल आ गया, एफ ओ वैल्यू एफ ओ एल्फा आ गया है, अब आर एच एल निकालना है, आर एच एल यानी कि एक्स टेंस टू वन बाई टू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे जो क्वांटिटीज होगा पाई बाई टू प्लस एच होगा, एक्स टेंस टू पाई बाई टू प्लस एच एंड साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन नाइन्टी प्लस थीटा, साइन नाइन्टी प्लस थीटा कोस थीटा होता है, तो इसमें वैल्यू ड्रा करेंगे एक्स टेंस टू पाई बाई टू प्लस एच, यानी कि साइन पाई बाई टू प्लस एच, साइन नाइन्टी प्लस थीटा कोस थीटा हो जाएगा, कोस एच हो जाएगा, पाई बाई टू पे चेक करेंगे पाई बाई टू प्लस एच कैंसिल हुआ, तो लिमिट होगा एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो कोस एच, कोस जीरो इक्वल टू, कोस जीरो इक्वल टू वन हो जाएगा। एल एच एल आर एच एल एंड फंक्शन तीनों की वैल्यूज बराबर हैं, तीनों इसमें बराबर हैं, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस, यानी कि एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पर फलन सतत है, यानी कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पर फलन सतत है यानी कि कंटिन्यूस होगा। तो इस तरह में अगर कोई फंक्शन है तो अब हो जाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती।